के शोरूम पहुंच चुके हैं। आप इसे देख रहे हो, मशीन का शोरूम है और ये स्टेशन रोड पर है। तो ये गाइस, ये रख दी मैडम की वीडियो मशीन अंदर, ये रख दी मैडम की मशीन अंदर और ये देख रही घूर रही है और फोटो उसका देखो चेक कर रहे हैं कि ख़राब है कि सही है। भैया ख़राब करके दिए कि सही करके दिए, पूरी जांच परख हो रही है। सो गाइस, हम पराठा खा रहे हैं भैया अभी कार के अंदर, ये देख सकते हैं। और चाय पी रहे थे, आपने देख ही लिया, मैडम चाय पी रही है, पीछे मैडम बिजी है फ़ोन के। हाँ ये कर लो पहले टर्न कैमरा। तो ये गाइस, मैं आ गया हूँ शॉप के अंदर और शॉप पर खड़ा हूँ भाई, और ये मेरी कार खड़ी है। जय श्री महाकाल। और सो गाइस, ये आ गई, अब पुरानी लेकर आनी है दुकान से। हे दिस इज अर्चित ब्लॉगर। भाई कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग, न्यू ब्लॉग। भाई कैसे हैं? और भाई आई होप सब अच्छे होंगे। और भाई आपका भाई वापस आ गया मेरे न्यू ब्लॉग में, आपका सबका स्वागत है भाई। सो गाइज, आई होप आपको कल की वीडियो मेरा अच्छी लगी होगी। और भाई उसी पर्पज़ से आज फिर मैं निकल रहा हूँ। थंबनेल देखकर आप पहचान ही चुके होंगे कहाँ जा रहा हूँ। वापस वही शोरूम जा रहा हूँ भाई, मशीन को लेने के लिए। अपनी जो मशीन मैंने वहाँ छूट गई थी पुरानी वाली, वो मशीन को लेने जा रहा हूँ भाई। तो टिल देन गाइस, वहाँ पे चल के आप बताते हैं, मशीन लेते हैं, फिर और भी कुछ बताना है। टिल देन गाइस, कीप वॉचिंग माई वीडियो। हे गाइस, दिस इज अर्चित ब्लॉगर। भाई मैं आ गया हूँ वापस शोरूम पे, आप देख सकते हैं ऊपर शोरूम है। तो गाइस, मैं वापस आ गया हूँ शोरूम पे और अंदर मशीन मेरी, कल जो मैं मशीन लेकर आया था वो शॉप पे ही रह गई थी, और शॉप पे मशीन लेने आया हूँ। और भाई अंदर चल के बताते हैं जब तक। सो हे गाइस, मैं आ गया हूँ शॉप के अंदर और शॉप पर खड़ा हूँ भाई, और ये मेरी कार खड़ी है। जय श्री महाकाल। और मैडम कार के अंदर है, अंदर बच्चे बाबू के साथ में, और हम शॉप पर और अंदर चलते हैं भाई, और अंदर चल के बताते हैं। अंदर अपनी मशीन भी है, मशीन भी लेने आया हूँ वापस। सो गाइस, अंदर चलते हैं फिर बात करते हैं। और ये देखिए इतनी सारी मशीनें पड़ी है, ये बहुत बड़ा शोरूम है आप देख सकते हैं। और जिसने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे पहली वीडियो का लिंक दिया हुआ है, तो आप जाके देख सकते हैं गाइस। और शॉप के ओनर। सो गाइज, मैं कल आया था और एक मेरे से मिस्टेक हो गई है, और मैं ये बताना चाहूँगा आपसे कि मैंने कल एक छोटी सी मेरे से भूल हो गई, शॉप के ओनर को मैंने गलत आपको बता दिया। सो गाइज, ये फ़ोटो आपको यहाँ दिख रही होगी, ये शॉप के ओनर हैं। और जो गलती से मैं बाय मिस्टेक जाने अनजाने, मैंने भैया मैकेनिक हैं इस शॉप के, तो उनको ओनर कह दिया था। और आप देख सकते हैं ये भी फ़ोटो दी गई है, ये शॉप के ओनर हैं जिनकी इतनी बड़ी शॉप है। और यहाँ पे सारी प्रोफेशनल मशीनें पड़ी हुई हैं और सारी सिलाई की मशीनें पड़ी हुई हैं आप देख सकते हैं। और दिस इज़ नॉट प्रमोट वीडियो, और दिस इज़ माय वीडियो, और आपसे शेयर कर रहा हूँ मैं अपना ब्लॉग, देख सकते हैं गाइस। सो हे गाइस, ये है मेरी पुरानी मशीन, आप देख तो चुके ही होंगे घर पे, ये मैं यहाँ भूल गया था और चेक कराने दी हुई थी, अब ये ठीक हो गई है। और दूसरे कस्टमर की मशीन आप देखो, ये तैयार हो रही है यहाँ पे, आप देख सकते हैं इतनी बड़ी मशीन है ये। ऐसी भी प्रोफेशनल मशीन भी यहाँ पे अवेलेबल है यहाँ पे। तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। और भी प्रोफेशनल मशीनें यहाँ पड़ी है, देख सकते हैं। और ये काम चल रहा है अभी यहाँ पे। तो है टिल देन गाइस, अपना काम भी यहाँ पे हो गया है लगभग। मैं अपनी मशीन लेने आया था, मशीन भी ठीक हो गई, रिपेयर हो गई है। और गाइस, मैं बताना चाहूँगा बाय मिस्टेक मैंने ओनर का नाम गलत ले लिया, और बाय मिस्टेक वो वीडियो गलत बन गई। इसका लिंक ऊपर दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। और भाई ओनर आप देख ही चुके हैं, वो ओनर हैं और इनके नाम से ये दुकान है, नाम आपको नीचे दिख जाएगा भाई। सो गाइस ये मेरी मशीन रिपेयर हो गई है, भैया ने रिपेयर की है, वहाँ पे बैठे हैं, वो मैकेनिक हैं दरअसल, और उन्होंने मेरी मशीन ठीक कर दी है और अभी आप देख रहे हैं ये मशीन ठीक होगी गाइस। सो हे गाइस, ये हैं भैया, सेल्समैन भैया हैं, इन्होंने ही मेरे को मशीन सजेस्ट की थी जो मैंने कल ख़रीदी है। आपने मेरे को मेरे ब्लॉग में देखा होगा, ऊपर आई बटन है, इन्होंने ही मेरे को ख़रीद के लेके दी थी और बहुत ही अच्छे हैं, बातचीत करने में बहुत अच्छे हैं। और भाई कब से बातचीत बता दीजिए, कब से दुकान? 1957 से है शॉप, 1957 से शॉप है भाई, बहुत पुरानी दुकान है। और ठीक है भाई, और अभी अपन चलते हैं, मैडम गाड़ी में वेट कर रही है और वो रही कार खड़ी है हमारी, और चलते हैं गाइस, कार में बात करते हैं। टिल देन कीप वॉचिंग माई वीडियो। तो ये गाइस, ये रख दी मैडम की वीडियो मशीन अंदर, ये रख दी मैडम की मशीन अंदर और ये देख रही घूर रही हैं, और छोटू उसका तो उसको चेक कर रहे हैं कि ख़राब है कि सही है। भैया ख़राब क्या बोला तूने? बहुत ही सुंदर तरीके से आपने खेला। भगवान सही करके दिए, पूरी जांच परख हो रही है। सो गाइस, हमारी चाय आ गई है और मैडम बेसब्र हो रही हैं चाय पीने के लिए, देख सकते हैं। और पराठे भी आने वाले हैं, भैया को कहा है अभी शॉप पे पराठे भी आ रहे हैं जब तक। सो गाइस, सर्दी में चाय पीने का मज़ा ही कुछ और है। अभी हम रास्ते पे हैं भैया, देख सकते हैं पूरा, अभी रोड पे गाड़ी खड़ी करी है और चाय पी रहे हैं भाई। और चाय पीने के रुके थे, मैडम ने कहा चाय अब चाहिए और चाय पीने रुके। टिल देन चाय पी लें, अभी पराठा भी आ रहा है, पराठा खा लें, फिर घर पे चलते हैं। कीप वॉचिंग माई वीडियो। सो गाइज, हम पराठा खा रहे हैं भैया अभी कार के अंदर, ये देख सकते हैं, और चाय पी रहे थे, आपने देख ही लिया। मैडम चाय पी रही है, पीछे मैडम बिजी है फ़ोन के अंदर। हाँ ये कर लो पहले। हेलो टर्न कैमरा। सो गाइस, देख सकते हैं पराठा आ गया है और मैडम अंदर अपने फ़ोन में बिजी है। इधर इधर हेलो बोल दो। और भाई अभी हम पराठा खा रहे हैं, पनीर पराठा है भाई, और दिखने में टेम्पटिंग लग रहा है। और देखते हैं खा के, और खाना खा के बात करते हैं। मैडम भी अपना ब्लॉग बना रही है और गुस्से में इधर बैठी हैं पीछे, छोटू उस्ताद अपने पीछे खेल रहे हैं। और टिल देन गाइस, खाना खा के बात करते हैं। ये देख। सो हे गाइज, मैं घर पहुंच गया हूं और ये देख रहे हैं भैया, ये टेक्नीशियन हैं, मशीन का डेमो देने आए हैं। कल जो सिलाई मशीन दी थी भाई, भैया आपका नाम क्या? अजय सिंह। भैया अजय सिंह भैया इनका नाम है। और घर पे गाड़ी रख दी है भाई और अंदर जा रहे हैं कमरे की ओर मशीन का डेमो देने। तो टिल देन गाइज घर पहुँच गए, आगे दिखाते हैं क्या करना है। कीप वॉचिंग माई वीडियो। सो गाइस, भैया आए हैं, टेक्नीशियन भैया हैं, और ये कंपनी से आए हैं डेमो देने मशीन का। और भैया फिर से अपना नाम बता दो। मेरा नाम अजय सिंह है, मैं मशीन का डेमो दूंगा। ये प्रोफेशनल टेक्नीशियन है बाकायदा उषा कंपनी से, और इनका नाम अजय भैया है। अजय भैया हमको डेमो देने आए हैं मशीन का, और मैडम खड़ी हैं सीखने के लिए। आ जाइए देखिए, और मैडम भी सीखेंगी। और भैया डेमो दे रहे हैं, ये मशीन खोल रहे हैं जब तक। टिल देन गाइस। ये है गाइस, कल हमने जो मशीन ली थी, आप देख सकते हैं, पिंक कलर की, मैडम को पसंद आई थी और मैं सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं, तो जो ये ऐसी मॉडल की मशीन लेता है तो उसको डेमो भी मिल जाएगा। ऑटोमेटिक मशीन है, इसमें लाइट है, सेंसर और डिकोडर है, इंटरनल काज बटन, पूरा हर तरीके का काम करता है। हां, आप ये नहीं करते, हम ये काम नहीं करते, सारा काम का एक तरह की डोमेस्टिक मशीन है ये। सो हे गाइस, मशीन सीख रहे हैं और कैसे चलाना। भाई मेरे को तो चलाना नहीं, मैडम को चलाना है और मैडम सीख रही हैं, तो और मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ, और जो नई मशीन ले रहे होंगे तो थोड़ी उनके लिए भी नॉलेज हो जाएगी। तो टिल देन टर्न कैमरा गाइस। तो गाइस, भैया ने मशीन की वायर लगा दी है और मैडम केयरफुली लगाना, राधा ब्लॉग में लगा दिया है। ये मशीन ऑन हो गई है। उजाला ये फंस गया, सीएम इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। हाँ ये कर लो पहले बहुत दिखाते हैं। ये हुआ उजाला। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। देखिए ये अपनी वायर है, एक ये अपना ऊपर वाला थ्रेड है, इसको घुमाओगे तो नीचे वाला थ्रेड को ऊपर लेके आ जाए। जब कभी भी सिलाई करो पहला काम ये होता है कि नीचे वाले धागे को बाहर निकालना, ठीक है, और दोनों थ्रेड को पीछे कर देना। ये हमने खोलने का तरीका, एक तो ये है कि ये बोबिन केस वगैरह लगाना, इसको खोलना, इसके लिए ये खुलता है। दूसरा कोई मोहरी, जैसे ये जो मान के चलिए इस पर मुझे टाका लेना है, इसके अंदर डालिए, गोल गोल सिलाई कर सकते हो। जैसे पैंट आपने कटिंग की है, इसको मुझे फोल्ड करके सिलाई करनी है तो इसको अंदर पहना दीजिए, है ना, गोल गोल सिलाई हो जाएगी। अच्छा अच्छा, समझ गया ना। ये होगा तो ये अंदर जाएगा नहीं, काफी बड़ा हो जाएगा। मगर मेरे कपड़े अगर डालोगी तो वो चला जाएगा क्योंकि हमारे कपड़े बहुत बड़े हैं। स्ट्रेचेबल भी है। भगवान, जस्ट जोकिंग गाइस, गर्मी लग रही है। सो गाइस, भैया ने डेमो दिखा दिया मशीन का, अब मैं पक्का दर्जी बन गया हूँ। ये कर लो पहले। और अभी मैडम तो दर्जी बनने वाली है, पूरा वो होते ना, अभी समझ रही है। दो कपड़े लगा दिए उसको। टिल देन कीप वाचिंग। अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। सो गाइस, आप देख पा रहे हैं मैडम को डेमो मिल गया है और भैया जा रहे हैं अभी डेमो देख के। भैया हेलो बोल दो। हेलो भैया। और भाई अब डेमो मिल गया है और हम कार से पुरानी मशीन निकाल रहे हैं। टिल देन टर्न कैमरा। तो गाइस, ये कर दिया गेट बंद और ये लगा दिया इंटरलॉक। भैया डेमो दे के चले गए हैं। टर्न कैमरा। मेरी गाड़ी धूल से भरी है भैया, धोना पड़ेगा। चलो भैया अंदर चलते हैं। तो गाइस, अंदर आ गए हैं और ये नई मशीन, ये पुरानी मशीन, मैडम को दोनों ही चाहिए थी तो दोनों ही मैडम के पास में है। और तो गाइस, दुल्हन पे कवर चढ़ाया जा रहा है, इनकी फ्रॉक है, फ्रॉक चढ़ा दी गई है। हैं मशीन ये जैसी है, पहले ये थी अब ये है। और हैंडल निकाल के दिखा दो तो ये बात, इसके कान मोड़ेगा, हैंडल ऊपर, ऑफिस अंदर। मैडम की खुशी का ठिकाना नहीं है। सो हे गाइस, मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा? आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक था। इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड कर रहा हूँ और छोटा सा ब्लॉग है, थोड़ा बड़ा बन गया है, मगर आई होप आपको अच्छा लगेगा। और अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा, इससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियो बनाने का। तो गाइस, बेल आइकन दबाना ज़रूर मत भूलिएगा, ज़रूर दबाइएगा, उससे मेरी आने वाली अपडेटेड वीडियो आपको मिलती रहेगी। हाय, दिस इज़ अर्चित ब्लॉगर भाई, और आज के लिए, अभी के लिए मेरे को इजाज़त दीजिए और बाय बोल दो। भैया बाय बाय। और बज गए हैं भैया चार दिन के 4 बजने आए भाई। और ये ब्लॉग आपको कल सुबह तक मिल जाएगा आई होप, एडिटिंग के बाद। और टिल देन गाइस, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जब तक के लिए जय श्री महाकाल, हर हर महादेव और जय शंकर। ओके बाय गाइस, टिल वॉचिंग। दूसरे ब्लॉग में मिलते हैं। कीप वॉचिंग गाइस। सो गाइस, टिल देन अगले ब्लॉग में मिलते हैं। जब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिए। दिस इज़ अर्चित ब्लॉगर भाई, और लाइक करना मत भूलना भाई, अच्छी लगे तो वीडियो। जब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।